गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइज। सो मायू व्लॉग आप देख चुके हैं, मायू व्लॉग और ये यहाँ तैयारी हो रही है बारात की, तो ये दोनों कंबाइन मैंने कर दिया। बारात और मैं आप दोनों इस व्लॉग में देख सकेंगे और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ करी थी थोड़ी सी ब्लीच और फेस ब्लीच करी थी, बहुत ज़्यादा नहीं करती। समटाइम्स होता है शादी वगैरह में किसी ओकेजन पर ओकेजनली कर लेती हूँ, वरना नहीं करती हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छी नहीं होती, आपको पता है स्किन के लिए। सो गाइस मैं यहाँ रेडी होकर आ गए थे बारात के लिए और यहाँ पर सब हुए हैं तैयार और जल्दी जल्दी हम लोग हॉल पहुँच गए। और ये मेरी खाला की बेटी की शादी है और हम लोग यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ आप देख सकते सारे लोग अपनी अपनी सेल्फीज़ में और गपशप और पिक्चर्स लेने में और मूवी पिक्चर्स एंड एवरीथिंग सब कुछ बनवाने में यहाँ पर सब बिज़ी हैं और काफ़ी खुश भी हैं। सो गाइज़ यहाँ वेट हो रहा है बारात का और बारात नहीं आई है, इसीलिए ये सारी बातें हो रही हैं, बातें कर रहे हैं सारे और सारी प्रिपरेशन कर रहे थे कि किस तरीके से वेलकम करना है। आपको पता है ट्रेडिशनल तरीके हैं, ज़्यादातर वही हम उस तरीके से कर लेते हैं वेलकम। तो गाइस बड़ा इंजॉय किया इस शादी पर। ये है मेरा ड्रेस और मैं आपको अपना फुल ड्रेस दिखा रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ड्रेस लिया था और ये बहुत ज़बरदस्त ड्रेस है। अगर कोई चाहता है कि वो इस तरह का ड्रेस बनाना या कोई सर्च कर रहा है तो वो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, तो मैं उसे अच्छी बता दूंगी कि ये मैंने कहाँ से लिया था। ये बहुत ज़बरदस्त ड्रेस है। उसके अलावा मैं इसकी डिटेलिंग आपको दे दूंगी क्योंकि अभी मैंने फ़िलहाल वीडियो स्टार्ट कर दिया है इस वजह से, ताकि आप लोग जो है ये व्लॉग देखें और व्लॉग शादी इंजॉय करें। बाकी के कपड़े वगैरह है और सारी चीज़ें हैं, ड्रेसिंग है, ज्वेलरी है, एनीथिंग एल्स, वो सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और ठीक से दिख जाए। मैं बहुत करीब से आपको अपना ड्रेस दिखा दूंगी। यहाँ आप कुछ पिक्चर्स बनवा रहे थे कज़न्स के नहीं थी, तो ये पूरी फैमिलीज़ हम लोग पिक्चर बना रहे थे। अच्छा जी, मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ अपना थोड़ा सा ड्रेस। और ये देखें ड्रेस, ये था जामावर मेरा, जो जामावर नहीं, आई थिंक जो ट्राउज़र जो होता है वो, उस कपड़े का मुझे इस वक्त नाम नहीं आ रहा। बहरहाल यहाँ पर नेट का ये दुपट्टा है, इसके चारों कॉर्नर्स पर जो हैं बॉल्स लगी हुई हैं, बड़ा ज़बरदस्त नेट का दुपट्टा है, गोटा वर्क है। और ये जो मेरा ड्रेस है ये है कुंदनकारी का। बेसिकली ये हम लोग समझते हैं कि ये गोटा वर्क है, ये गोटा वर्क नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर ये मेरी मोस्ट फेवरेट रिंग है, आपको बहुत बार दिखेगी मेरे ब्लॉग में क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इस पर ही जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ आप लोग करें इंजॉय प्लीज, डोंट माइंड। तो जी जनाब, हमने बारात का किया वॉर्म वेलकम और बहुत ज़्यादा डांस किया था। डांस की वीडियो मैंने नहीं, मेरा कैमरा भी को पता नहीं क्या हो गया था, तो मैंने डांस की वीडियो जो है वो वहाँ पर नहीं रिकॉर्ड कर सकी। और यहाँ पर मैं आपको अपना दोबारा ड्रेस दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको नहीं समझ आए तो ठीक से आप देख लें।
ये इस तरह, और मैंने ट्रांसपेरेंट जो मैंने आपके साथ शेयर की थी ईद पर, मैंने वो वाली सैंडल्स इसमें वेयर की हैं, ये मुझे बहुत, और मैंने इसके साथ गोल्डन झुमके, और ये बड़ा खूबसूरत ड्रेस है, और इतना ज़्यादा कैमरा जो है, आपको पता है कैमरे पर इतनी ज़्यादा चीज़ें उस तरह से जस्टिफाई नहीं करता। तो ये आ गई हमारी प्यारी सी दुल्हन, और खूबसूरत सा इनका, हमारी खूबसूरत सी दुल्हन और हमारा प्यारे से भाई, खूबसूरत से दूल्हा। सो गाइज, बहुत बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया बारात के इस डे पर, और लड़कियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है ये डे, और इस डे का वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं, और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। बस इसके बाद जी हम खाएंगे खाना, डिनर वगैरह करेंगे, और फिर अच्छा हमारी सारी कज़न्स वगैरह कह रहे थे रुक जाए, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बस इसी तरह ये सारा सेशन चलता रहा, यहाँ पिक्चर्स होते रहे और सारी चीज़ें आप लोग के सामने हैं। ठीक से बस मैंने जितना कैप्चर किया आप लोग के सामने आपको दिखाया, ताकि आप लोग अच्छे से इंजॉय करें। ज़बरदस्त सा शादी के ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है, बहुत ज़्यादा, और ये हमारी खाला की घर लास्ट शादी थी, तो काफ़ी इंजॉय किया और भरपूर इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। अच्छा जी, बस यहाँ हमारा वेडिंग बारात का डे एंड हुआ, अब हम जा रहे हैं घर को, और बस यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये है मेरा क्यूट सा भतीजा, और फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे, मतलब इसी व्लॉग में मिलेंगे, मगर हम आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे वलीमा व्लॉग पर, ठीक है? तो वहाँ भी आप इंजॉय करेंगे मुझे पता है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बारात में बड़ा मज़ा आया होगा। अब हम आपको वलीमे की तरफ लेके चलते हैं, सो गाइस चलिए आइए वलीमे की तरफ, वलीमे पे आ जाते हैं। सो गाइज, आप ये देख रहे हैं हमारी प्यारी सी ब्राइड, और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और बड़ा मज़ा आया। यहाँ स्पॉटलाइट सारा जो हमारा एक इकोसिस्टम्स होते हैं यहाँ आपको पता है, मैं बैकग्राउंड्स पे अगर गाने लगा दूँगी, बड़ा खूबसूरत माहौल था, बड़ा प्यारा अरेंजमेंट था, बहुत ज़बरदस्त था। मैं आपको भी डिटेल में दिखाती हूँ, ताकि आप लोग को भी किसी को इवेंट प्लानर वालों से अगर कोई करवाना हो तो वो लोग भी करवा सकें, और इस तरह का कुछ आइडियाज़ जो जिन लोगों की शादी होने वाली है वो कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा था, डिकोर बहुत प्यारा था, और यहाँ पर मैंने वेयर किया था ब्लैक ड्रेस, और मैं यहाँ पर बस ब्राइड के, फिर मैं बैठी थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि बस आपको पता है शादी में थोड़ी थोड़ी सी थकावट भी हो ही जाती है, और यहाँ पर बस बैठे हुए बातें कर रहे थे। वली में कुछ खास नहीं होता, जाहिर है आप बारात पे आप गेस्ट होते हो, बारात पे आप होस्ट होते हो, और वलीमे पे आप गेस्ट होते हैं, तो बस गेस्ट का काम बैठना होता है और इन्जॉय करना होता है। सो वलीमे भी बहुत खूब इन्जॉय किया, बहुत प्यारा, बहुत हसीन, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, और ये मुझे बहुत पसंद आया इनके यहाँ का डिकोर बड़ा ज़बरदस्त था, और आप लोग देखते जाएँ, इन्जॉय करते जाएँ। हमें अपनी सिस्टर से कुछ बातें कर रही थी और हम लोग इन्जॉय कर रहे थे, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और आप लोग बताएं, आप लोग के यहाँ जो वेडिंग्स वगैरह होती हैं या किस तरह होती हैं? कराची वालों का तो बस ये है, कहा जाते हैं खर्चे में बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे बहुत करते हैं, और ये और वो है, लेकिन आप लोग जहाँ जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग बताएं आप लोग के वेडिंग्स में आप लोग किस तरह इन्जॉय करते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डांस वगैरह का सिस्टम नहीं है, बहुत सारे लोग डांस वगैरह करते हैं, डांस लोग करना पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि हाँ खुश होते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो गाइस ये देखिए, मैं आपको डिकोर दिखा रही थी, यहाँ जो एंट्रेंस थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, यहाँ पे सेट बहुत प्यारा था, खूबसूरत था, और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ बिट बाय बिट। यहाँ मेरी सारी सिस्टर्स, मेरी भाभी, मेरी कज़न्स, मेरी भाभियाँ, मेरी कज़न्स सिस्टर, कज़न्स भाभी, और ऑल दैट यहाँ पर सब थे, और यहाँ मेरे ब्रदर्स, सिस्टर्स, एवरीबडी, मी, मेरे मी वेयरिंग ब्लैक कलर, आई वॉज वेयरिंग दैट टाइम अ ब्लैक कलर, और जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, अभी आपको दिखाऊंगी आगे भी चलकर, ये बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया। यहाँ पर मैं, मेरी कज़न और मेरी सिस्टर, यहाँ पर पहले हम लोगों ने अपनी सेल्फीज़ ली, फिर हम लोग वीडियोज़ बनाने लगे, और काफ़ी इन्जॉय किया, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। आप लोग, मेरा ख्याल है आप लोग को भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा ये शादी देखकर। शादी का एक ऐसा मोमेंट होता है जो सबको बहुत मज़ा आता है, और जब लास्ट शादी हो किसी के यहाँ,
तो फिर आपको पता है उसकी तैयारियाँ बहुत अलग होती हैं। तो बस यही था हमारा वलीमे का भी व्लॉग। आप मुझे मैं आपको अपना पूरा ओवरऑल ड्रेस और लुक दिखा देती हूँ जो बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग कोई भी चीज़ देखें प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, और किसी को भी देखें माशाल्लाह कह दिया करें, अल्लाह ही की तारीफ़ है बेशक। और यहाँ हम लोग इंजॉय कर रहे थे और हम अपनी सेल्फीज़ और पिक्चर्स और वीडियोज़ बस वही बनाए जा रहे थे, और सब बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं, मेरी सिस्टर्स, मेरी कज़न सिस्टर्स माशाल्लाह सब बहुत प्यारी लग रही थी, सब ने काफ़ी इंजॉय किया कि और यहाँ पे मेरा कज़न आके मुझे कह रहा है तुम लोगों ने खाने नहीं खाना हमने तो उनका क्यों नहीं खाना, खाना भी खाना है और साथ साथ इंजॉय भी करना है। यहाँ पर थोड़े से क्लिप्स मैं आपको और दिखा दूँ ब्राइड्स के और हमारी खूबसूरत माशाल्लाह प्यारी सी ब्राइड, और यहाँ हम अपनी कज़न की जो मेरी वाइफ हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर सारा फ़ोटो सेशन चल रहा है, फ़ोटोग्राफ़र्स बड़े ज़बरदस्त हैं, और बस यही होता है शादी में, शादी का जब सीज़न होता है तो बड़ा इन्जॉय किया जाता है और सारी चीज़ें। उसके बाद जी हमारा ये सारा सेशन हुआ डन, अब हम करेंगे डिनर, और डिनर करने के बाद अब जाएंगे घर की तरफ। उम्मीद है आपको मेरा ये बारात वलीमा मिक्स जो व्लॉग कॉम्बिनेशन मैंने बना के आपको पेश किया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें। आपको न्यू वीडियोस और आप मुझे बहुत सारे आइडियाज़ भी दे सकते हैं क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है। सो गाइज़ प्लीज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ बैठी हूँ बस में और हम जाएँगे घर, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने वाली हूँ, चाहे वो हेल्थ से रिलेट हो गया, फैशन से रिलेट हो गया, या कुकिंग से रिलेट हो गया। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।